الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله 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 سوال अगर जख्म से खून निकले तो क्या वजू टूट जाएगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जवाब, अगर जख्म से खून निकल कर बहा और ऐसी जगह पहुंचा जिसका वजू या गुसल में दोना फर्द है तो वजू टूट जाएगा। अगर सिर्फ चमका या उभरा और बहा नहीं, जैसे सुई की नोक या चाकू का किनारा लग जाता है और खून उभर जाता है, चमक जाता है, तो वजू नहीं टूटेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल वुजू मिन कुल्ली दमिन सायलिन, यानी हर बहते खून से वजू टूट जाता है, यानी अब वजू करना लाजमी हो जाएगा। मस्कुरा रिवायत सुनन दारकुतनी हदीस नंबर 581, कंजुल उमाल हदीस नंबर 26284। मस्कुरा हदीस मुतअद्दिद तुरुक से साबित है। महक्किक अलल इतलाक अल्लामा कमालुद्दीन इब्न हमाम अल रहमा फतहुल कदीर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 34 और 35 पर इस तफसीर को लिखते हैं, और आपने लिखा हुआ तजावुज़ुन नजासति इला मौदि तत्हीर, यानी पेशाब और पाखाने के मकाम के अलावा किसी और मकाम से नजासत निकले तो वजू उस वक्त टूटेगा जब वो नजासत पाकिदगी के मकाम तक बहे। फिर आगे जाकर लिखते हैं, अगर आंख में जख्म से खून निकले और वो आंख ही में बहे, बाहे ना निकले, तो वजू नहीं टूटेगा, क्योंकि वजू और गुसल में आंख में पानी डालना फर्द नहीं। वल्लाहु अअलमु बिस्सवाब। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह।